कॉन्सेप्ट्स के यूट्यूब चैनल पर मैं मिस्टर योगी आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम 26 मार्च 2021 के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। अगर आपने प्रीवियस करंट अफेयर्स के वीडियो नहीं देखे हैं तो प्रीवियस करंट अफेयर्स के वीडियो ज़रूर देखें। साथियों, इन वीडियो को आप पूरा देखें क्योंकि इस वीडियो सीरीज का आप फ़ायदा तभी उठा पाएंगे जब आप इसके रेगुलर विजिटर होंगे, और वीडियो को अंत तक देखें ताकि जो मैं एक्स्ट्रा जानकारियां आपके साथ साझा करता हूं उससे आपको लाभ मिलेगा आने वाले एग्जामों में। और इसमें हमने आरएस लेवल तक के एग्जामों को कवर किया है। तो चलिए अब सीधा अपन आज के टॉपिक 26 मार्च 2021 करंट अफेयर्स के ऊपर आते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 का शुभारंभ किया है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार। इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 ये राष्ट्रीय जैव ईंधन 2018 की नीति के अंतर्गत है और इस नीति को लागू करने वाला बिहार देश का प्रथम राज्य है। जहाँ पे भी प्रथम और अंतिम चीज आती है तो उस चीज़ को आप बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा लीजिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। इस नीति के अंतर्गत इथेनॉल निकासी की अनुमति दी गई है और ये पहले गन्ने तक की सीमित थी। आज का दूसरा क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल संसाधन के क्षेत्र में भारत और किस देश के बीच हुए सहयोग ज्ञापन MoC को 23 मार्च 2021 को मंजूरी प्रदान की है? तो इसका सही आंसर रहेगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, जापान। इस समझौते का उद्देश्य क्या है? जल और डेल्टा प्रबंधन तथा जल प्रौद्योगिकी क्षेत्र में दीर्घकालिक सहयोग को स्थापित करना और जल सुरक्षा बेहतर करना और सिंचाई सुविधाओं और जल संसाधन के विकास में एक स्थायित्व का लक्ष्य हासिल करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में भारत और किस देश के मध्य स्थायी सिंधु आयोग परमानेंट इंडस कमीशन की 116वीं बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, पाकिस्तान। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत और पाकिस्तान हाल ही के कुछ दिनों में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की कोशिश करने में लगे हुए हैं और ये दोनों ही पड़ोसी देशों के लिए एक अच्छा संकेत है। अब बात करें स्थायी सिंधु आयोग के बारे में। स्थायी सिंधु आयोग 1960 की सिंधु जल संधि के तहत स्थापित किया गया था और द्विपक्षीय आयोग है ये, भारत और पाकिस्तान के अधिकारी इसमें शामिल होते हैं। अब कुछ बात कर लेते हैं सिंधु जल संधि के बारे में। तो ये 19 सितंबर 1960 को लागू हुई थी और 19 सितंबर 1960 को भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के हस्ताक्षर के साथ ये संधि लागू हुई थी। इस संधि का उद्देश्य सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के जल के उपयोग का प्रावधान करना है। ये तीन पूर्वी नदियों व्यास, रवि और सतलज के जल पर नियंत्रण करने का कार्य करती है। ये एक जल वितरण संधि है जो कि विश्व बैंक द्वारा समर्थित है। आज का चौथा क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में निम्न में से कौन सा भारतीय तटरक्षक जहाज नौसेना के बेड़े में शामिल हुआ है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, वज्र। अब इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी पर डिस्कस करें तो इस वज्र को तैयार करने वाली कंपनी है लार्सन एंड ट्रूबो शिप बिल्डिंग लिमिटेड, और ये वज्र है जो आधुनिक नेविगेशन और संचार प्रणाली से सुसज्जित है। अब बात करते हैं भारतीय तटरक्षक के बारे में। तो भारतीय तटरक्षक की स्थापना 18 अगस्त 1978 को हुई थी और ये रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। आज का पांचवा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, 2020 का प्रतिष्ठित व्यास सम्मान किसे दिया जाएगा? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, शरद पगारे।
साथियों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि जब आप शेयर करते हैं तो हम भी आपके लिए कुछ नई नई चीज़ें लाने की कोशिश करते हैं और हमको भी इस चीज़ से मोटिवेशन मिलता है। तो अब बात करते हैं साथियों शरद पगारे के बारे में। तो इनको ये पुरस्कार व्यास सम्मान पाटलिपुत्र की सामग्री इनकी एक रचना है इसके लिए दिया गया था, और ये वार्षिक दिया जाने वाला पुरस्कार है। और इस व्यास सम्मान की जो स्थापना है वो 1991 में हुई थी, और ये पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। ये पुरस्कार हिंदी भाषा साहित्य में 10 वर्षों से लगातार काम करने वाले लेखकों को दिया जाता है। इसमें जो पुरस्कार राशि वो 4,00,000 रुपये है। 2019 का व्यास सम्मान नासिरा शर्मा जिनको अपनी रचना कागज की नाव के लिए दिया गया था। अब डिस्कस करते हैं आज का 6ठा क्वेश्चन। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन आम जनता के लिए कहाँ खोला गया? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीनगर। इसका पहले नाम इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन था, और ये जबरवान रेंज की तहलेटी में 30 हेक्टेयर की भूमि में फैला हुआ है। और ये ट्यूलिप गार्डन डल झील के किनारे स्थित है, और इसे 2018 में जम्मू कश्मीर में फूलों की खेती और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था। चलिए आज का 7वां क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग किन दो देशों से संबंधित है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका और भारत। अमेरिका के उपराष्ट्रपति का नाम अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आज का हमारा 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरकार द्वारा संचालित भारत की पहली पशु एम्बुलेंस नेटवर्क शुरू करने जा रहा है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा पहली पशु एम्बुलेंस नेटवर्क शुरू करने जा रहा है। और आंध्र प्रदेश के बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी की बात करें तो यहाँ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन हैं, और लोकसभा में आंध्र प्रदेश की 24 सीटें हैं और राज्यसभा में 11 सीटें हैं। चलिए देखते हैं आज का 9वां क्वेश्चन, फिच रेटिंग्स के अनुसार 2021-22 में भारत की जीडीपी 11% से बढ़कर कितने परसेंट रहने का अनुमान है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, 12.8%। आपको पता है कोरोना की वजह से जीडीपी काफ़ी डाउन हुई थी, और अब अर्थव्यवस्था ने धीरे धीरे स्पीड पकड़ी है, तो ये पहले 11% इसका अनुमान रखा था और अब 12.8% का रखा गया है। चलिए आज का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, यूपीएससी के वर्तमान चेयरमैन कौन है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, प्रदीप कुमार जोशी। और आज का क्वेश्चन ऑफ द डे रहेगा, यूपीएससी की स्थापना कब हुई थी? अगर आप में से किसी भी साथी को पता है कि यूपीएससी की स्थापना किस वर्ष हुई थी तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, और अगर आपको नहीं पता है तो हम नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन का आंसर आपको बता देंगे। तो ये था आज का वीडियो, आप रिव्यू ज़रूर देवें कि इसमें क्या सुधार की ज़रूरत है, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और भी कोई आपके सुझाव हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।